एक ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आदमी शादी से पहले हमको ये बोलते हैं कि तुमको रानी बना के रखेंगे, मगर शादी के बाद उनके सारे वादे झूठे निकलते हैं। देखो पहली बात तो यह है, उनकी सोच को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने ये सोचा, उनके मन में ये सोच आई कि तुमको रानी बना के रखा जाए। मगर एक बात सच बताना कि तुम में रानी बनने के ये गुण थे? तुमने कहीं भी पढ़ा लिखा देखा हो कि कोई रानी अपने राजा के जीने कलेश करती हो? नजर उठाकर सवाल नहीं पूछ सकती थी, वो तुरंत बोल देता था कि गुस्ताख, वो बोलती गुस्ताख की मां महाराज। यहां उल्टा है, आदमी कुछ कह देना तो बोलते चुप रह जी, ये एक मिनट में नाश कर दूंगी, वो बोला मैं चुप हूं, मैं कुछ कह रहा हूं। ये गुण है तुम में। जब राजा दूसरी रानी लेके आता था तो रानी खुश हो जाती थी, भागी जाती थी, आरता उतारती थी, बोलती थी आओ बहन तुम कर दोगे ऐसा, तुम्हारे सामने ना किसी को देख भी ना सकता हो। उसकी सोशल मीडिया पर भी नजर रहती है कि किसका फोटो लाइक कर रही है। ये गुण है तुम में। और सबसे आखिरी, रानी होती राजा की, राजा काम होता सारी प्रजा के वाद विवाद खत्म करना। उसको थारे सासू बुआ के विवाद खत्म ना होते, उस बेचारे को यह समझ में नहीं आता कि किसका पक्ष लिया जाए। अरे उसको खुद को राजा बनने की फीलिंग तो आए, तो तुमको रानी किस बात की बना दे।